विधायक अजय महाजन द्वारा वीरवार को संयुक्त कार्यालय में लगी लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। 26 लाख रुपए से बनी इस लिफ्ट सुविधा से लोगों को, विशेषकर बुजुर्ग लोगों को, इस संयुक्त कार्यालय में विभागीय कार्य करवाने में सीढ़ियां चढ़ने से निजात मिलेगी। विधायक ने इसका उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इस सुविधा को एक मील पत्थर बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस लिफ्ट सुविधा से ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक जाने में लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त कार्यालय का शिलान्यास भी उनके स्वर्गीय पिता सत महाजन ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से करवाया था और इसका उद्घाटन उन्होंने मुख्यमंत्री से करवाया है। उन्होंने कहा कि इस बीच 5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्व विधायक इस भवन निर्माण में एक ईंट भी नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि आज इस पूरे भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये बिल्डिंग पूरी तरह से आधुनिक बिल्डिंग बन गई है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये संयुक्त सचिवालय जो उनके कार्यकाल में इसका शिलान्यास हुआ था और फिर बीजेपी के कार्यकाल में इसमें कुछ नहीं हुआ था, एक ईंट ही लगी थी। और जब ये माननीय मुख्यमंत्री दोबारा जब शासन में आए थे तो आते ही ये इसका उद्घाटन किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा आधुनिक बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे जितने भी ऑफिस हैं एक छत के अंदर है। और आज बहुत खुशी का दिन है कि इसमें एक लिफ्ट का आरंभ किया गया जिसकी वैल्यू तकरीबन 26 लाख रुपए की है और ये एक बहुत आधुनिक बिल्डिंग बन गई है। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि नूरपुर में भी एक ऐसी बिल्डिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। और एक और कोई तकरीबन 16 लाख रुपए लगे हैं, यहाँ पे जितनी बिल्डिंग है इज कनेक्टेड बाय इंटरकॉम्स और सीसीटीवी कैमराज हर ऑफिस में लगे हैं। सो ये अपने आप में एक कंप्लीट बिल्डिंग बन गई है और नूरपुर के वासियों को बहुत सुविधा इससे प्राप्त हो रही है। थैंक यू।